लाल टमाटर और प्याज की चटनी के लिए आइए हम सामग्री देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का लाल टमाटर लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, दो फीकी वाली हरी मिर्ची ली है, अगर आपके पास तीखी हो तो एक ही लेना, और आधी टेबल स्पून के करीब शक्कर ली है। ये शक्कर हमने टेस्ट के लिए डाल रहे हैं, और 1/4 टेबल स्पून हल्दी ली है, और वाइट नमक स्वाद अनुसार थोड़ा ही डालना है, थोड़ा सा उसमें काला नमक भी डालना है, कोथमीर लगेगी, और ये मूंगफली के दाने जो मैंने सेक लिए थे कढ़ाई में पहले से सिके हुए रखे थे मेरे पास, सिके हुए डालना। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कच्चे दानों का टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आता है, इसलिए हमें चटनी में हमेशा सिके हुए दाने का ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों ये प्याज टमाटर मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, इनको कट कर लिया है। अब मैं एक मिक्सर का जार लूँगी, उसमें पहले टमाटर डाल दूँगी, फिर प्याज डाल दूँगी, हरी मिर्ची भी बारीक टुकड़े करके डाल देंगे, और शक्कर, हल्दी, सादा नमक, काला नमक, ये मूंगफली के दाने और कोथमीर डाल देंगे, और इसको मिक्सर में थोड़ा रुक रुक कर पीसेंगे ताकि ये एकदम से पूरा पतला ना हो। ये देखो दोस्तों, ये झटपट चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट होती है दोस्तों ये गरम गरम आलू के पराठे, सादे पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। दोस्तों ये लाल टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है, ये हेल्थ के लिए बहुत लाभकारी होती है जी। और दोस्तों इसको आप अपने डाइट प्लान में भी शामिल कर सकते हैं, पर एक बात है, इसको ज़्यादा लंबे समय के लिए स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सारी कच्ची सामग्री है, सुबह शाम ही इसे खा सकते हैं, इसलिए इसको उतना ही मात्रा में बनाया जाए जितनी मात्रा में अपने को उपयोग करना है। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।